Hello friends, this is your host Rajit Pahala. I hope you all are fit and fine. Ah, Thoru. Hey, you know what? Thoru bhi aaya jab mara hai mere bittu. Hello, bhai. Hello, Thoru. Hello. So, मैंने आज व्लॉग भी थोड़ा सुबह ही स्टार्ट करा है. अभी थोरू को लेके चलेंगे घूमने के लिए और उसके बाद फिर आके फिर आपको कोनी के बच्चों से मिलवाता हूँ. उनकी आईज खुल गई है, थोड़ी थोड़ी आईज खुली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ. जैसे किसी को नहीं पता तो जो पप्पीज होते हैं ना, डॉग के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनकी आंखें बंद होती है और उनके ईयर्स भी बंद होते हैं. तो वो 12 से 14 दिन 15 दिन के बीच में उनके आंख खुलने लग जाती है. तो आज 12 डेज के हो गए आज. तो अब थोड़ी थोड़ी उनकी आंखें खुलने लग गए तो आपको दिखाता हूँ. और उससे पहले हमारे हेलो टोन से मिल लीजिए यार. हेलो देख तो ले. तकड़ा है वो लुक दे रहा है ना तू. है पौंदरी तकड़ा लुक देते तू. हाँ खाएगी. देखिए कैसे पूछी ला रही है. ये देखो कैसे लग रहे हैं, सुंदर है ना. वहाँ पे भी लगा हुआ है और एक पेड़ ये इस साइड भी होता था, ये रहा छोटा वाला. और ये सबसे पुराना पेड़ है, इसकी हाइट कम रहेगी और इसके फूल भी इस बार कम ही आए हैं. ये देखो है ना सुंदर. एक सुंदरता तो ये है और एक ये है. अब तो ये बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम हो गया. जब से गेट लगा है ना तब से यहाँ पे से उधर लोग कूड़ा फेंकने जाते थे. अपने सेक्टर वाले लोग, समझदार लोग, यहाँ से आके यहाँ कूड़ा फेंकते थे उधर पीछे जाके. फिर अब वो बंद करवा दिया तो वो बहुत ज़्यादा सही हो गया, बहुत ज़्यादा. अब तो वहाँ मिट्टी वगैरह और ग्रीनरी वगैरह दिखने लग गई है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था. तो वहाँ पर अब बिल्कुल सही हो गया. अभी थोड़ा बहुत है ये भी कवर हो जाएगा. अब तो प्रॉपर वो आती है सुबह सुबह नींद खराब कर देती है. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, उसके अंदर फिर वो डालना पड़ता है कूड़ा. चल मैं थोड़े को घुमाया हूँ तो अपने यहाँ घूम ले. मम्मी को पैक कर दिए, बस मम्मी की एक्टिवा बाहर निकालनी है और चल थोड़े पर चलते हैं. इसमें तो यही नहीं उठी भाई, ये वाली नहीं उठी. ये वैसे उठती भी नहीं एक्टिवा में. तो भाई थोरू भी आ गया, मैं कितना खुश हो गया. चलो थोरू चल 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 ने ने आ जा. अब देख रहा कैसे भाग के आ गए. थोरू मैं जा रहा हूँ, बाय. चलो मिलते हैं आपको. थोरू को तो घुमाया हूँ मैं. आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ. अभी मैंने देखा हैला बाथरूम में बैठी है और मम्मी उसको बहुत डांट मारती है जब वो बाथरूम में बैठती है. थोरू भी आ गया. आदत बहुत गलत है उसकी, सो आपको दिखाता हूँ. देखना कैसे डर जाएगी, बात सारी सुनती है वो. यूं दिखाने में तो कुछ नहीं, देखना मिलता. हेलो बाहर चल, चल बाहर चल, चलो कहाँ गई थी रे तू. मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भाई. बड़ी चंटो आई है. चलो आपको कोनी के बच्चे दिखाता हूँ, आपको कोनी की मस्ती दिखाता हूँ. कोनू चलो 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 चल चल चल. ये खुश कितनी है. वो गेट निकल भाग जाएगी नीचे. कोनू आ जा, खुश कितनी है. मौसम कैसा कोनू. कोनू मस्त है ना. ये भी प्राइवेट चीज खुश हो रही है, ये खेलती है. रोज सुबह मैं ऐसे ही खेलते हैं. और थोड़े थोड़े कोनी के बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तब इसको बाहर घुमा के लेके आया करूंगा और इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करूंगा. पता नहीं मैं कैमरे में आया ही नहीं है. चलो जाओ भाई अपने बच्चों के पास जाओ. नहीं चल, समझदार बच्चा. और अभी तो खड़े होके चलने लग गए शिकारी. तो देखो देखो कैसे खड़ा हो रहा है, इसको उठा रही है कोनी. देखो कैसे चलने लग गए, पहले कदम बच्चों के.
बैठ जा बैठ जा, कौन नहीं बैठ जा बैठ जा। अरे कहाँ बैठेगी, कौन नहीं खुद, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाँ बैठ जा जल्दी बैठ जा बैठ बैठ जा, आ जाएंगे तेरे पास पागल ही अपने। देखो देखो इनको सबको पता कैसे जाना। सो इन पपीज के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप एडवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, वहां से आप कॉल करके इनके बारे में पूछ सकते हो। ये देख रहे हैं इसको दोस्तों, इसका नाम क्या रखे बताओ, ये कैसे बैठे वहां सिर रख के सो रहे बंदरू। ओ छटू, इसकी आंख खुल गई है, देखो देखो। इनको भी दिखना तो नहीं शुरू होएगा, बट दिखना इनको दो दिन बाद शुरू होएगा, बट इनकी आंख से खुल गई है भाई। अभी दिखाता हूँ मैं इनको, उठा उठा के, हाँ इधर आ। अच्छा देख लो लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ मैं, पहली बार तो बच्चों को ऐसे हाथ नहीं लगाता, पहले अपने डिटॉल से हाथ धो के, मतलब हैंड वॉश से, उसके बाद एक सर्जी स्क्रब आता है उससे हाथ धो के फिर मैं बच्चों को हाथ लगा रहा हूँ। बाकी यार प्रिकॉशन है ये, कई लेते हैं कई नहीं लेते, पर मैं तो प्रिकॉशन लेता हूँ। अब इनको एक बार आपको दिखाता हूँ, एक मल्टीविटामिन वगैरह थोड़ा सा ये पेस्ट में आता है ये दे देते हैं, और उसके बाद फिर आपको ये दिखाऊंगा बच्चों को कि इनकी आंख कैसी खुली हुई है, कितनी खुली है। और ये देखो हमारा डॉन बिट्टू, इसको ना मैं दवाई देता हूँ, सबको दे देता हूँ, मेरी मल्टीविटामिन है। ये देखो थोड़ा थोड़ा अंदाज जैसे ही देना होता है, और ये दे के फिर सारे मुंह मारते साइडों में, देना ये दे दी और इसको साइड में छोड़ दिया। एक दो बार यूं भी हुआ है, एक को दे दिया फिर उसको दूसरे को दे रहा, वापिस सेम को ही ना दे दूं, इस चीज का ध्यान भी देना पड़ता है। ये मेरे को पता है कि मैंने किसको दी है। हाँ 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 पूछो, ये दो रहे कांगू से हुए हैं। इस वेलकम बॉक्स का यही फायदा है, अब कोनी आगे अगर यहाँ लेट जाएगी तो वो बच्चे दबे नहीं है, अंदर चले जाते हैं। और अगर हाँ आप, मैं एक आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा वेल्पिंग बॉक्स के ऊपर कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्यों वेल्पिंग बॉक्स होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं दूसरे चैनल पे डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना आप वीडियो देखना चाहते हो वेल्पिंग बॉक्स के ऊपर। आजा आजा तेरी बारी रह रही है, कुछ 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 कुछ। दूसरा ये चूचू पता क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली लाइट गई हुई है और एसी बंद है इस वजह से, नहीं तो बाकी सुबह का ही टाइम है, अभी इतनी भी गर्मी नहीं है, बट फिर भी इनको तो गर्मी लग रही है। कौन चल थोड़े से दूध पिला दे, आ जा चल कौन आ जा, वैसे उठाना पड़ता है। पिला दे, तू दूध पिला दे, मैं एक बच्चे को दिखा देता हूँ। अरे कहाँ गया एक, देख लो ये दीदी, इनको खुद पता चल जाएगा, इनका खड़े होने लग गए अब तो, पहले खड़े भी नहीं होते थे, पहले तो ऐसे रेंग रेंग के जाते थे ये। ओए ओए ये रहा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने आप चल जाएंगे उस साइड, कौन ही टांग तो सीधी कर देंगे, दूध पिलाना है, देख ले कितनी समझदार है तू दी। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ये प्यारा ये डोन है वाह। कैसे लगे थे सुबह, मस्त है ना, मस्त खुद ही समझदार इतने हैं। मेरे को वो मस्त लगा, वो साइड में नहीं आया अभी, तूने उठाया उसको, ये देखो भाई, और रेंग रेंग के चला गया फिर वो साफ भाई, थोड़ा सा माइंड करना क्योंकि ये देखो ये सुपोर्ट तो करते ही रहते हैं। ये देखो इसकी आंखों पे फोकस कर रही, ये वाली थोड़ी सी खुली है, और ये वाली खुली हुई है, ये वाली पूरी खुल गई, ये थोड़ी खुली है, और अब इसे प्यारा होने का ना। बाकी ये देखो इनके ना यार टॉयलेट है, अभी से ही दिख रहा है कि स्कल कैसा, मतलब शेप कैसी जाती है। बाकी देखो इस टाइम कोई कुछ नहीं बता सकता, बट हाँ ये है कि दिख रहा है, अंदाजा लग रहा है थोड़ा सा, है ना, तेरा ही है चाटी से, इसको खड़ा करता उठा दिया। ये देखो इसकी भी थोड़ी सी खुली हुई है, खुल गई बट इनकी दो वाइट बाल आए हुए।
तो भाई दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और अब इनकी एक्टिविटीज बहुत सारी आने वाली है क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं, अभी तो इनकी आंख नहीं खुली थी इसलिए चैनल पे थोड़ी सी मैं इनकी वीडियोस कम डाल रहा था। अब आंख खुल गई है तो इनकी शैतानी देखने इसमें से बाहर कूद जाएंगे। इसके लिए स्पेशल मैंने ये गेट भी है, देखो ये ऐसे लग जाता है ताकि ये बच्चे अंदर ही रहे, नहीं तो ये शैतान बाहर आ जाएंगे। खुशी तो इसके ऊपर से घुस जाएगी। सो भाई दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ऐसी वीडियोस देखने के लिए और फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए। कौन सी मोमेंट पसंद आई वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और वो वीडियो डालू या ना डालू इसकी इस वेलकम बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो दूसरे चैनल पे आ जाएगी, पेट डोमेस्टिक के चैनल पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके बाय बाय।